अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर, इंग्लिश लेक्चरर। मूव टू नेक्स्ट आवर टॉपिक, माय बेस्ट फ्रेंड। जी, माय बेस्ट फ्रेंड और आइडियल स्टूडेंट, इस ऐसे के जी ये दो नाम हैं। ओके, मेरा बेहतरीन दोस्त या मिसाली तालिब इल्म, आइडियल स्टूडेंट। चाहे पेपर में आपको इस टॉपिक से कहा जाए या इस टॉपिक से कहा जाए, आपने ये ऐसे को लिख लेना है। जी स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंडशिप अजीम तोहफा है। फ्रेंडशिप इज़ अ ग्रेट गिफ्ट। फ्रेंडशिप अजीम तोहफा है। इट इज़ द नेम ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। ट्रस्ट एतमाद, यकीन। फ्रेंडशिप अजीम तोहफा है, ये नाम है एतमाद और यकीन का। इट रिक्वायर्स, फ्रेंडशिप रिक्वायर करती है। जी क्या रिक्वायर करती है, क्या मुतालबा करती है? जी रिक्वायर का मतलब होता है मुतालबा करना, दोस्ती मुतालबा करती है। ओके, दोस्ती जी मुतालबा करती है वफादारी का, लॉयल्टी, वफादारी। ठीक है जी, मैं साथ साथ मीनिंग भी लिख रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ जाए। दोस्ती मुतालबा करती है जी वफादारी, डिवोशन, ईमानदारी। सिंसेरिटी, मुखलिस। सैक्रिफाइस, कुर्बानी। ठीक है, यानी कि दोस्ती क्या मुतालबा करती है जी, वफादारी का, ईमानदारी का, मुखलिस होने का और कुर्बानी का। यानी कि फ्रेंडशिप इनकी बेस है, इन पर ही डिपेंड करती है, इन चीज़ों पर। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, बट नवीद इज़ माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन नवीद मेरा बेहतरीन दोस्त है। वी हैव बिन फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज सिंस चाइल्डहुड। हम दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं। ही इज़ स्मार्ट एंड सॉफ्ट स्पोकन गाय। वो एक स्मार्ट और बड़ा उम्दा बोलने वाला लड़का है, गाय। जी अमेरिका में लड़के को गाय कहते हैं और ब्रिटिश में बॉय। ही इज़ फिट एंड स्ट्रॉन्ग। फिट है, स्ट्रॉन्ग है, सीरियस है बाय नेचर। फितरतन उसकी जो फितरत है, जो नेचर है, यानी कि वो शोख नहीं है, वो संजीदा है। वेरी पोलाइट, बड़ा नरम है, नरम गुफ्तगू करने वाला, शाइस्ता है। काइंड, मेहरबान एंड जेंटल पर्सन और शरीफ लड़का है। ही वेलकम्स, वो खुशामदीद कहता है एवरी विजिटर। वो खुशामदीद कहता है हर मिलने वाले को विद ओपन आर्म्स। जी ओपन आर्म्स का यहाँ पर मतलब होगा गर्मजोशी से। ठीक है जी, यानी कि वो खुशामदीद कहता है हर मिलने वाले को ओपन आर्म्स, गर्मजोशी से। ही रिमेन्स, रिमेन्स कहते हैं रहना। ही रिमेन्स नीट एंड क्लीन। वो रहता है साफ सुथरा हर वक्त। सो लिहाजा एवरी फ्रेंड लाइक हिम। लिहाजा हर फ्रेंड, हर दोस्त लाइक हिम, उसको पसंद करता है। ओके मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी इस लाइन को। ही रिमेन्स नीट एंड क्लीन ऑल टाइम। वो रहता है साफ सुथरा हर वक्त, लिहाजा हर दोस्त उसको पसंद करता है। ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट।
शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा तालिब इल्म है. ही इज़ मैन ऑफ एक्शन, वो अमली शख्स है. बट ही डज नॉट क्वारल, लेकिन वो झगड़ता नहीं. क्वारल, झगड़ना. लेकिन वो झगड़ता नहीं विद एनीवन, किसी के साथ भी. ही हेट्स, वो नफरत करता है बुरी सोहबत से. ही आल्सो टेक्स पार्ट, वो हिस्सा भी लेता है दूसरी सरगर्मियों में, अदर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा भी लेता है ऑफ द कॉलेज कॉलेज की. ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वो अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का. ही इज़ आल्सो अ गुड सिंगर, वो अच्छा गायक भी है. ही हैज़ मेलोडियस वॉइस, उसकी मीठी आवाज़ है. मेलोडियस मीन मीठी, जिसे सुरीली भी कहते हैं. ठीक है जी, यानी कि उसकी सुरीली आवाज़ है. ही कैन इम्प्रेस द ऑडियंस, वो आवाम को इम्प्रेस कर सकता है. विद हिज ग्रेट पावर ऑफ सिंगिंग, अपने सिंगिंग की अजीम ताकत से वो ऑडियंस को क्या कर सकता है जी, इम्प्रेस कर सकता है. ही इज़ वेरी एम्बिशियस पर्सन, वो ख्वाहिश रखने वाला शख्स है. यानी कि उसके एम्स हैं, उसकी लाइफ में गोल्स हैं उसकी. एम्बिशियस कहते हैं जी ख्वाहिश रखने वाला, वो ख्वाहिश रखने वाला शख्स है. ही इज़ वेरी रेगुलर, वो बहुत रेगुलर है. पंक्चुअल यानी कि वक्त का पाबंद है. वो रेगुलर है, वक्त का पाबंद है. ही नेवर मिसेस, ठीक है जी, वो कभी भी मिस नहीं करता अपनी क्लासेस को. ठीक है, वो अपनी क्लासेस को कभी मिस नहीं करता. ही इज़ वेरी ओबीडियंट, वो बड़ा ताबेदार है अपने उस्ताद का. बल्कि टीचर्स, यानी यहाँ पर आएगा टीचर्स, वो अपने उसातज़ा का बड़ा ओबीडियंट है. ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तमाम उसातज़ा और जो तालिब इल्म हैं, प्रेज़ हिम. प्रेज़ का मतलब होता है जी तारीफ करना. ओके, तमाम उसातज़ा और तालिब इल्म प्रेज़ हिम, उसकी तारीफ करते हैं. ही इज़ वेरी सिंसियर, वह बहुत मुखलिस है, ईमानदार है. ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मशक्क़त करने वाला है. ही ऑफन, वो अक्सर, ठीक है जी, इस वर्ड की दो प्रोनंसिएशन है. वो ऑफन भी कह सकते हैं जी, ऑफ्टन भी कह सकते हैं इसको. ही ऑफन गेट्स, वो अक्सर फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है फाइनल एग्ज़ाम्स में. ओके, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमेशा वो क्या करता है, अक्सर बल्कि ऑफन अक्सर पहली पोजीशन ही हासिल करता है. ही इंटेंट्स, इंटेंट्स का मतलब है जी इरादा करना. ही इंटेंट्स, वो इरादा करता है टू बिकम. बिकम का मतलब है जी बनना. वो इरादा करता है टीचर बनने का ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के. यानी कि वो इंग्लिश का टीचर बनने का इरादा करता है, उसका इरादा है. ही विश, वो ख्वाहिश करता है टू सर्व. सर्व का मतलब होया जी यहाँ पर खिदमत करना. वो ख्वाहिश करता है खिदमत करने की सफरिंग ह्यूमैनिटी, दुखी इंसानियत की. ठीक है जी, सफरिंग ह्यूमैनिटी, दुखी इंसानियत. वो ख्वाहिश करता है खिदमत करने की दुखी इंसानियत की. टू गेन, भाई गेन का मतलब है हासिल करना. इस टारगेट को, इस गोल को हासिल करने के लिए ही बर्न्स मिडनाइट ऑयल. मैंने यहाँ पर जी ईडियम को इस्तेमाल किया है और इसका मतलब है जी रात देर तक काम करना. जी ठीक है जी, रात गए तक मेहनत करना या रात देर तक मेहनत करना.
जी मैं इस लाइन की दोबारा जो सा वो ट्रांसलेशन कर देता हूँ। टू गेन दिस टारगेट, इस टारगेट को हासिल करने के लिए ही बर्न्स मिडनाइट ऑयल, वो रात देर तक मेहनत करता है। ही हैज़ एन आइडियल कैरेक्टर, He has an ideal character. वो मिसाली किरदार रखता है, ideal मिसाली। वो मिसाली किरदार रखता है। He is the president. वो सदर है जी। College debating society, बहसो मुबासा, debate का मतलब होता है जी बहसो मुबासा करने वाली जो तंजीमें होती हैं, कहता वो हमारी जो कॉलेज की जो टीम है, जो सोसाइटी बनी हुई है, उसका प्रेसिडेंट है। ही इज़ रिलीजियस माइंडेड, वो मजहबी जहन रखने वाला है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ही ऑफर्स हिज ऑल प्रेयर्स, वो अपनी तमाम नमाजों को अदा करता है। ही इज़ ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद भी करता है। ठीक है जी। ही डज, वो करता है डोमेस्टिक ड्यूटीज़, घरेलू काम। डोमेस्टिक कहते हैं जी घरेलू, मतलब जो घरेलू कुछ काम है, जिम्मेदारियां हैं, वो उसको भी सर अंजाम देता है। एंड हेल्प्स, और मदद करता है। हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन की मदद करता है। और द पीपल, और उन लोगों की मदद करता है। इन हिज नेबरहुड, जो उसके हमसाए में है। ही डज नॉट प्ले एनी पर्टिकुलर गेम, पर्टिकुलर गेम का मतलब है जी खास खेल। ही डज नॉट प्ले एनी पर्टिकुलर गेम, वो कि खास खेल तो खेलता नहीं। सम टाइम, वो मदद करता है मेरी स्टडी में। एंड वी प्ले टुगेदर, और हम इकट्ठे खेलते भी हैं। वी also discuss फ्यूचर गोल्स, हम डिस्कस करते हैं मुस्तकबिल के जो मकासद हैं सोसाइटी पर, और जो कुछ आइडियाज़ हैं जो माइंड में आते हैं, कहता हम उस पर डिस्कस करते भी हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसर बात, ही हैज़ ऑल क्वालिटीज़, वो तमाम खूबियाँ रखता है एक अजीम आदमी की। वो अजीम आदमी की तमाम, यानी कि एक अजीम आदमी वाली तमाम खूबियाँ रखता है। मे आवर फ्रेंडशिप लास्ट लॉन्ग, खुदा करे हमारी जो ये दोस्ती है वो हमेशा कायम और दायम रहे। जी स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैंने आपको एम और एम के, एम और एन के ईडियम्स भी पढ़ा दिए, और ये जो माय बेस्ट फ्रेंड है ऐसे, इसको भी आज हमने रीड कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, और जी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।